हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहा हूँ एक वाटर हीटर। इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे पीवीसी पाइप का। आप बहुत ही आसानी से ये बना सकते हो, 100% सेफ है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पीवीसी पाइप को 18 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। अब एक पीवीसी शीट लेंगे और उस पीवीसी पाइप की माप का 3 पीस कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब 18 सेंटीमीटर पाइप के नीचे एक पीस जोड़ देंगे ग्लू की मदद से। आप यहाँ पर बॉन्डटाइट और एमसील यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा कि वाटर लीक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक वाटर हीटर। ये बेस्ट क्वालिटी का है, ये मुझे पड़ा 150 रुपये में। अब अच्छे क्वालिटी का यूज करना फ्रेंड्स। ये जो 50 रुपये में आता है, इसे यूज मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये करंट मर सकता है। अब अच्छे क्वालिटी का हीटर यूज करना, उसे क्या होगा आपको शॉक नहीं लगेगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा ये करंट मारता है या नहीं मारता। मैं हाथ से भी टच करके दिखा दूंगा आपको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इसको खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खोल लिया हो। अब पीवीसी पाइप की शीट में हीटर का माप का 2 होल कर देंगे। देखिए परफेक्ट फिट हो रहा है। अब वायर को जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वायर में और जोड़ दूंगा इंडिकेटर के लिए। अब इसको क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से इसको जोड़ लेंगे। अब बॉन्ड टाइट की मदद से इसको जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हीटर को पाइप के अंदर चिपका लेंगे बॉन्ड टाइट की मदद से। अब यहाँ पर एक होल कर देंगे इंडिकेटर के लिए। ऊपर का पीस जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर जल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 होल कर लिया हूँ वाटर इन और आउट के लिए। फ्रेंड्स, कुछ जरूरी बात, आप यहाँ पे 3-पिन प्लग यूज करोगे तो अच्छा होगा, आप शॉक से बच सकते हो। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप अगर न्यूट्रल और फेस को उल्टा लगाते हो तो शॉक लगता है, और अगर सही लगाते हो तो शॉक नहीं लगता। तो यहाँ पर आप 3-पिन प्लग यूज करेंगे तो न्यूट्रल और फेस उल्टा नहीं होगा और आपको कभी भी शॉक नहीं लगेगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा आप इसको चला के पानी को गर्म करके इसको ऑफ करके फिर पानी को यूज करना। इसको डायरेक्टली मत यूज करना, आपको शॉक लग सकता है। मैं मेरा वीडियो में दिखा दूंगा कि कोई भी शॉक नहीं लगता है। मैं हाथ से भी टच करके दिखा दूंगा, फिर भी आप सेफ रहिए। इसको चला के पानी को गर्म करके इसको बंद करके फिर पानी को यूज करना। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पर पानी का नॉर्मल टेम्परेचर चेक करके दिखा दूंगा। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ऑन करेंगे। देखिए ऑन है, पर कोई भी करंट नहीं मार रहा है। मैं यहाँ पर टच भी कर रहा हूँ, फिर भी कोई भी करंट नहीं मार रहा है। अब इसको 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रख देंगे, ये वाटर को अच्छी तरह से हीट कर लेगा। फिर पानी को हल्के फ्लो में चला देंगे। देखिए कुछ ही समय में यह 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है।
पानी को स्लोली फ्लो करेंगे। फ्रेंड्स पानी को स्लोली ऑन करना भी ये हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए पानी को आप स्लोली ऑन करना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।